स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए आज हम कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, हाल ही में जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सोचा है कि 2-3 वीडियो बना दें जिससे कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी इस बार सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं तो ये 2-3 वीडियो देख लेंगे, तो उससे सामाजिक विज्ञान में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। मेरे हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि बहुत ही आसान हो जाए उनके लिए एग्ज़ाम देना। तो और मेरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आज तो हम एमसीक्यू करा देते हैं, एमसीक्यू आज करा देते हैं और उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो इसमें का जो 1 नंबर 2 नंबर या विस्तृत जो भी होगा उसको भी दे देंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे, आपके जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको 1-2 वीडियो और बना करके जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का, आप लोग जब तक डाउट देते आप अपना कमेंट करते रहेंगे तब तक हम उस पर बनाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए इनमें से जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, आज बता देते हैं आज बहुविकल्पी। जैसे कि क्वेश्चन एक है, वर्तमान समय भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2019 का मामला है, ये भी करंट अफेयर्स से भी पूछ लेता है कभी कक्षा 10। तो वर्तमान समय भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन दिया था 9, 7, 10, 8। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है टोटल कितने हैं, 8। पहले 7 थे, तो जम्मू कश्मीर टूट करके 2 बने थे, यानी लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, तो 9 हो गए थे। लेकिन जो दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव था ये 2 फिर जुड़ के 1 हो गए, तो इसका मतलब कि 9 से फिर क्या हो गए, 8 हो गए, तो इसका सही आंसर होगा 8। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय यानी कि उत्पत्ति, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था इटली से। देखिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पास ऑप्शन था रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। ऐसे तो इटली को ही पहले क्या कहा जाता था, रोम कहा जाता था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इटली को सही मानेंगे, इटली को। पुनर्जागरण का अर्थ समझते हैं कि जैसे कि अगर आप सो गए हैं और आपके ऊपर पानी फेंक कर फिर से कोई क्या कर रहा है, मतलब आप पहले जाग रहे थे फिर सो गए, फिर आपको कोई पानी फेंक कर जगा दिया, तब कहेंगे कि पुनर्जागरण हो गए। जाग पहले से रहे थे लेकिन बीच में सो गए थे, फिर आपको जगा दिया गया, पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा। तो इसी प्रकार से यूरोप पहले जो था वो पहले जाग रहा था, पहले वहाँ पर इनलाइटमेंट था, पहले वहाँ पर ज्ञान प्रकाश ये सब चला करता था। यूनान जानते हैं कि बहुत ही बुद्धिजीवियों का देश हुआ करता था, जहाँ पर थेल्स और पाइथागोरस, सुकरात, अरस्तु जैसे महान विद्वान रहा करते थे यूरोप में। लेकिन जब से वहाँ पर धर्म की उत्पत्ति हुई, यानी कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म जानते हैं कि व्यक्ति को अंधा बना देता है, तो जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि धर्म उन गुणों को जन्म देता है जो किसी व्यक्ति के अंदर पालतू कुत्ते के गुण उत्पन्न करता है। बहुत ही गलत शब्द कहा था, किसके लिए, कौन कहा था, तो एक प्रकार से बहुत ही गलत शब्द यूज किया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। तो वही बात है कि जब धर्म की उत्पत्ति हुई तब से क्या हो गया, जब धर्म की उत्पत्ति हुई तो बहुत ही बेकार हो गया यूरोप, और इनको फिर से जगाने की शुरुआत कहाँ से हुई, इटली के जिस व्यक्ति ने शुरुआत किया था उस व्यक्ति का नाम था दांते। तो पूछ लेता है कि यूरोप में जो नव जागरण की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था उस कौन था, तो वो था दांते था। कौन था, दांते। इटली के वेनिस शहर से शुरुआत हुई थी नव जागरण पुनर्जागरण की। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसे मारेका समझौता के तहत इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है ये एक प्रकार से एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व की लगभग बिजनेस समाप्त हो चुकी थी, पूरा विश्व चौपट हो चुका था बिजनेस धंधा, तो पूरे विश्व में फिर से एक बार बिजनेस को क्या करना था, जीवित करना था। बिजनेस जीवित करने के लिए पूरे विश्व में लगभग जितने भी देश थे लगभग सभी के बीच में दुश्मनी हो गई थी, तो मतलब लोग एक दूसरे के व्यापार को क्या करते, बर्बाद करते, एक दूसरे पर व्यापार पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाते। तो पूरे विश्व ने कहा देखो भाई हमारी दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन हमारा बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पूरे विश्व सभी देशों को फायदा होता है। तो लोगों ने मिलकर कहा कि चलिए ठीक है हमारी दुश्मनी अपनी जगह, एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिससे कि क्या होगा, एक दूसरे के व्यापार पर नियंत्रण रखेगा। उस व्यापार का नाम रखा गया था गैट, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रीटी था, नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रीटी था नाम था। फिर इसी को 1995 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। 1995 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, कई बार पूछा गया है। फिर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है उसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, देखिए मैं सीधे आंसर को बता रहा हूँ, 10 दिसंबर। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानवाधिकार दिवस
जो है इस कब से कब लागू हुआ था, तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको लागू किया था। यह मानवाधिकार क्या है भाई, तो मानव को मानव होने के नाते जो जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे कहते हैं मानवाधिकार, जो कि इसकी घोषणा किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगर कोई देश मानवाधिकार को हनन करता है तो इसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या होगा, बहुत सी प्रताड़नाएं झेलने पड़ सकती हैं या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर किसी देश ने मानवाधिकारों को हनन किया तो। जैसे मानवाधिकार में क्या है कि भाई हमें सम्मान से जीने का अधिकार, यानी हर एक व्यक्ति को सम्मान देना जरूरी है, यह देश के सरकार के क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ये सब ऐसी कुछ बातें हैं मानव अधिकार। तो मानव अधिकार की बात की गई है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जानते हैं कि एक ये क्वेश्चन एक नंबर ही दो नंबर भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पर एकजुट हो जाए तो इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से एकजुट हो जाए तो इस अवस्था को कहा जाता है राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से, कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरा चोरी की घटना। तो इसका राइट आंसर है रोलेक्ट एक्ट। जानते होंगे कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त ब्रिटेन जो था यूरोप के विश्व युद्ध में क्या था, व्यस्त था। वो चाहता था कि भारत में कोई उस वक्त उसके खिलाफ कोई भी गतिविधियां ना हो या उसके खिलाफ कोई आंदोलन उंदोलन ना चले। लेकिन फिर भी भारत में बहुत से आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ चल रहा था। अब ब्रिटेन ऐसे समय में यानी वहाँ पर जब इसकी पुलिस व्यवस्था थी, जब वो किसी व्यक्ति को पकड़ने जाती थी तो उसके खिलाफ पहले कोर्ट कचहरी करना पड़ता। अब ऐसे समय में कि अंग्रेज़ उसके लिए गवाह चाहिए किसी व्यक्ति को जेल में डालने के लिए, गवाह करना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम गवाह ना करके हम एक ऐसा कानून बना देते हैं जो कि हम न तो उसके खिलाफ गवाह प्रस्तुत करना पड़े ना वकील करना पड़े, हमें अगर किसी पे शक हो तो सीधे उसे हम क्या कर सके, जेल में डाल सके, क्योंकि वो विश्व युद्ध में व्यस्त रहना चाहता था। तो उसी सबक उन्होंने एक रोलेक्ट एक्ट लेकर आया था, उस जिस व्यक्ति ने इस अधिनियम को बनाया था उस व्यक्ति का नाम था रोलेक्ट, उसी के नाम पर उस कानून का नाम रखा गया था रोलेक्ट। अब ये बिना वकील बिना दलील इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर कुछ जिस व्यक्ति पे शक हो कि हाँ ये व्यक्ति देशद्रोह के कार्य कर रहा है ब्रिटेन के लिए, तो उस व्यक्ति को पकड़ के बिना किसी सबूत के जेल में डाला जा सकता था। तो इसके विरोध में पंजाब का जो एक शहर था जिसका नाम है अमृतसर, अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 का दिन था जहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे इसका विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग का विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। अब उसमें हुआ क्या कि वहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल मतलब एक प्रकार से कमांडर था, तो उसने वहाँ पर पहुँच के जलियांवाले बाग में जा करके लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, बस मात्र 1-2 मिनट का समय दिया, बहुत कम समय दिया, पता नहीं सही बात है कि झूठ बात है, लेकिन बहुत ही कम समय दिया और वहाँ से उनको निकल जाने के लिए कहा। तो अब वो वहाँ पर निकले नहीं, लेकिन उसने वहाँ पर क्या कर दिया, जनरल डायर ने गोली चलवा दी और करीब जिससे कि ब्रिटेन वालों को कहना था कि इसमें 300 के आसपास मरे थे। भारत की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, इसने कहा कि करीब 1200 व्यक्ति मारे गए थे। तो अलग अलग रिपोर्टें अलग अलग कहती हैं। तो उसी में जो जनरल डायर था इसी को बाद में मारा था, किसने जाकर, उधम सिंह ने उसी जनरल डायर को मारा था ब्रिटेन में जाकर। तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 से जो आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन का नाम ही था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी भारतीय अब आपका सहयोग नहीं करेंगे, किनका, ब्रिटेन वालों का। तो इसी को कहते हैं असहयोग आंदोलन। जो बाद में चोरी चोरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर, तो इसमें क्या किया गया था, कुछ पुलिस वालों को जबरदस्ती जेल में बंद करके जला दिया गया था, 12-13 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिससे कि क्या किया गया, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है पूछता है। फिर उसके बाद देखिए कुछ जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, दूसरा बी ऑप्शन है वन संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, और
डी ऑप्शन है, वायु संरक्षण से। तो जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के चमोली जिले से। वहाँ पर जो था कुछ उद्योगपतियों ने वहाँ के पेड़ों को काट काट करके उद्योग धंधे स्थापित कर रहे थे उद्योगपति, और वहाँ के पेड़ों को काट के उठा ले जा रहे थे। तो वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के जनजातियों ने वनों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से जाकर क्या हो गए, चिपक गए। जिसके नेता थे बहुगुड़ा साहब, जो कि पिछले साल एक्सपायर कर गए, जो सुंदरलाल बहुगुड़ा साहब थे। तो इस पेड़ों से चिपक गए, तो जिससे पेड़ों की रक्षा हो करने के लिए, तो इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, जिसमें वनों के संरक्षण से संबंधित था ये आंदोलन। फिर नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इनमें सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो कौन होती है, काली मिट्टी। जो कि काली मिट्टी कौन होती है, जिनका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा बाहर धरती पे निकल के आती है, जो बिछ जाती है, उसके बिछने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मृदा या रेंगूर मृदा भी कहते हैं। ये इनमें आयरन फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो कपास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण खेती भूमि मानी जाती है वो कौन होती है, तो वो होती है काली मिट्टी। फिर उसके बाद है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, रबी की फसल जो गर्मी के समय में यानी अभी मार्च अप्रैल के महीने में काटे जाते हैं, तो कौन सी फसल है, धान, दाल, मोटे अनाज, कपास। तो जानते हो क्योंकि अभी दाल और कट अरहर इस सब की जो फसल है अभी कटी रहा है, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन होगा, दालें यानी मटर, चना, अरहर, इस सब अभी कट रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, रबी की फसलें होती हैं। ये सब क्या होते हैं, रबी की फसलें। जैसे कपास जो होता है ये भी तीनों सीजन में इसकी गिनती होती है, तो कपास, लेकिन अब सही वो नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा इसमें, दालें मानी जाएंगी। फिर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, जिसे कहते हैं कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कोपरा किसे कहते हैं, कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये बना था 1986 में, इसका राइट आंसर क्या है, 1986। देखिए 1986 से पहले कोई दुकानदार या कोई उद्योगपति या बिजनेसमैन जो होता था वो कहता कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ देता और था, यानी उसकी गुणवत्ता क्या होती थी, बहुत बड़ी बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती थी, और बहुत कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके तो उन ग्राहकों की रक्षा करने के लिए, उन उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए जो सरकार ने, उस वक्त राजीव गांधी सरकार थी 1986 में, तो जो अधिनियम बनाया था उस अधिनियम के माध्यम से अब ग्राहकों की या उपभोक्ताओं की रक्षा की जा सकी, तो इसलिए बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा इसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग को चलाने में क्या करता है, एक प्रकार से आधार प्रदान करता है, यानी कि उनको दूसरे उद्योग को बनाने के लिए ये कच्चा माल बनाता है। तो कौन सा उद्योग ऐसा आधारभूत उद्योग कहलाता है, जैसे कि चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात, जूट, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग होता है, तो इसमें से होता है लोहा और इस्पात। लौह और इस्पात जो उद्योग होता है ये दूसरे उद्योगों के लिए क्या होता है, एक प्रकार से यह आधारभूत उद्योग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एक नंबर ही पूछ ले कि किसी एक उद्योग का आधारभूत उद्योग का उदाहरण दीजिए, तो याद रहेगा लौह एवं इस्पात। फिर आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। भारत में जानते हैं कि नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है, वो प्राप्त है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ की स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 का इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। इसको याद रखें, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मुंबई में। शुरुआत में कहाँ था इसका मुख्यालय, कोलकाता में, बाद में कहाँ पर हुआ, मुंबई में। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने कहा था विश्व व्यापार संगठन था, तो उसकी स्थापना जो हुआ था तब उसका न्यूयॉर्क में स्थापना हुआ था, उसको आप लोग अपना सही करेक्ट कर लीजिएगा। और उसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, लेकिन स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। ऑप्शन है 1914, 1918, 1919। जानते होंगे कि 9 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसका मतलब है कि उस दिन 9 जनवरी 1915 को हमारे देश में महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और गए कब थे, 1892 में, और लौटे कब, 1915 में। बड़ी लंबी उम्र गुजार दी थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में।
जब वो लौटे थे तो 1915 में और उन्हीं के लौटने वाले दिवस को ही किस रूप में रहता है, प्रवासी भारतीय दिवस के 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। फिर उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी जो था वो टूट कर कई भागों में बटा था, तो पूरे जर्मनी को जोड़ करके जिसने एक किया था, तो जिसे भारत में वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया था 562 देशी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था, जस्ट उसी प्रकार से तो जर्मनी के एकीकरण किसने किया था, दिया है जूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो हान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क या नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क, जिसने 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। कब, 1871 में, बिस्मार्क साहब। याद रहे कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो याद रहे कि आपको वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि भारत में वही काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इटली का अगर पूछ लिया कि एकीकरण किसने किया था इटली का, तो गैरिबाल्डी, ऐसे मेजिनी आता है, मेजिनी अगर ना रहे तो गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी रहेगा, मेन मेत्सिनी या मेजिनी था। फिर उसके बाद है नेपोलियन का संबंध किस देश से है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो ये किसके पास है, ये किसे कहा का था, वो नेपोलियन था फ्रांस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो वाटर पूछ लेता है कि नेपोलियन किस लड़ाई में हारा था, युद्ध हारा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू के मैदान में अपनी लड़ाई हारा था, ये आप लोग भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था, जिसे कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू किया गया था, तो वो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत करने के लिए नमक को ही क्यों चुना था, नमक को ही क्यों चुना था, नमक बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए दिया है, ऑप्शन दिया है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह दूसरा है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए महात्मा गांधी बड़े चालाक आदमी थे, इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन एक नमक के लिए लेकर इसलिए किया क्योंकि नमक अमीर और गरीब दोनों यूज करते हैं, मतलब जब नमक को लेकर के आंदोलन शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि अमीर गरीब सब व्यक्ति जुड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त समुद्र के किनारे पर अगर कोई व्यक्ति नमक बनाता तो नमक के लिए भी अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई हमारे देश में नागरिकों को नमक टैक्स फ्री करो, कोई भी व्यक्ति नमक बनाएगा इससे मार्केट में सस्ता नमक मिलेगा, हर व्यक्ति आराम से नमक खाएंगे। तो महात्मा गांधी जानते थे कि अगर ये आंदोलन हमने शुरू किया और अंग्रेज अगर इसका विरोध करेंगे तो पूरा भारत हमारे तरफ साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि नमक की बात है ये, नमक, तो इसलिए क्योंकि अमीर और गरीब दोनों व्यक्ति सभी इसको क्या करते हैं, इसका यूज करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय मतलब होता है केंद्र शासित, तो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। अब ये क्वेश्चन ही गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है, तो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा संघीय राज्य पूछा है, संघ केंद्र शासित नहीं पूछा है, तो संघीय इनमें से कौन नहीं है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित है, और बाकी तीनों क्या है, संघीय है, तीनों संघीय है, तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित है। फिर आगे है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में, तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2015 में, और 2015 में यहाँ का संविधान भी बना। तो इससे पहले नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र संविधान में वहाँ के लिखा था, तो जिससे भारत बहुत से लोग कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या कर लोगे इस हिंदू राष्ट्र बना के, नेपाल हिंदू राष्ट्र 2015 तक कौन बहुत राजा हो गया था, तो उसने फिर बाद में अपने यहाँ संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है, फिर वहाँ पर लोकतंत्र आया है। तो देखिए धर्म के नाम पर लोग यहाँ पर बस मूर्खता फैलाते हैं और कुछ होता नहीं है। तो नेपाल जो है वहाँ पर एक लोकतांत्रिक राज्य बना है, कब, 2015 में। देखिए फिर जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं, कौन सा गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं, मुंबई नागपुर, सिल्वर पोरबंदर, सिल्वर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद, नागपुर हैदराबाद, तो इसका राइट आंसर देखिए सिल्वर पोरबंदर, यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये कौन से कौन जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा को, तो सिल्वर पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है आप लोग देखते चलिएगा। फिर उसके बाद है निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट बना था, कौन से साल बना था, 2008, 2010, 2005, 2010, ये अधिनियम बना था कब, तो अधिनियम बना था 2005 में, लागू कब हुआ था, 2006 में। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है
कि जो अपने देश के प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की गारंटी देता है। बढ़िया जी, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जो अपने प्रत्येक नागरिकों को रोजगार देने की गारंटी देता है। इसी के लिए इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना नाम रखा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी जो अधिनियम बना था रोजगार देने के लिए 2005 में बना था और ये लागू कब हुआ 2006 में, तो याद रहे आपको। फिर नेक्स्ट है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर, चिनाब नदी पर, सतलुज नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो सलाल बांध ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, किस नदी पर है, तो भाई ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है सलाल बांध। सलाल बांध है, दुलहस्ती है, बगलीहार है, ये सब जो बना है बांध, ये सब किस पर बना है, चिनाब नदी पर है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, पवन ऊर्जा वहीं पर वो स्थापित होगी जहाँ पर वो हवाएं तेज चलती हो, हवाएं क्या करती हो, तेज चलती हो, जिससे कि पवन जो चक्की बना होता है वो तेज चले, जिससे विद्युत का उत्पादन हो सके। तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तो रेगिस्तानी एरिया में जानते हैं कि हवा तेज चलती है। तो सबसे अधिक जो होता है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र जो कहाँ उपस्थित है, तो राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इस वन का नाम क्या रखा गया है, इस वन का नाम रखा गया है सुंदर वन। पश्चिम बंगाल मिलता है, जहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है। ऐसे ऑप्शन था इसका असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, लेकिन सही इसका आंसर कौन है, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, किसका भारत निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन है कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का, चाय का। तो भारत जो है इसका किस, इसमें से किसका निर्यातक नहीं है, उर्वरक का। भारत उर्वरक का आयातक है। उर्वरक कौन होते हैं, जिससे जो खेती करने वाले से यूरिया, डाई, पोटाश, ये सब हो गया ना, भारत इसका आयातक है। सबसे बड़ा इसे तो आयातक विश्व में अमेरिका है, दूसरे तीसरे पे भारत रहता है। भारत उर्वरक बहुत तरीके क्या करता है, परचेज करता है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे है, देखिए अब ये क्वेश्चन हमने कहा था कि आपसे बार बार आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक बार और आता, फिर आया था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। मैंने बताया आपको कि ये पहले कहाँ से शुरुआत हुआ था राष्ट्रवाद का, तो फ्रांस से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन जो मैंने बताया अभी 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी के समय जो प्रथम विश्व युद्ध वाला था, ये क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछ सकता है आपसे। और ये भी पूछ सकता है एक नंबर ही में कि असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1920 में, क्यों हुआ था, रूलर एक्ट के विरोध में। रूलर एक्ट क्या था, 1918 में पास हुआ था, 1919 में इसका विरोध हो रहा था। तो देखिए, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जब देखा कि सेकंड, महात्मा गांधी बड़ा चलाक आदमी थे, 1945 तक सेकंड विश्व युद्ध चल ही रहा था, यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर था, तो उस वक्त महात्मा गांधी को लगा कि ब्रिटेन इस वक्त युद्ध में व्यस्त है, कमजोर हो चुका है, यही मौका है कि करो और मरो का नारा देकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। तो उसी वक्त दिया था, क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी पता था, महात्मा गांधी जी को पता था कि इस वक्त ब्रिटेन वाले क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो इस वक्त जो करना है कर लो। तो उसी वक्त इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। फिर उसके बाद इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी दो तीन बार सुनने से क्या होगा कि आपको एकदम याद हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है जूसेफ गैरिबाल्डी। अगर मैजिनी ना रहे तो, मैथसिनी या मैजिनी ना रहे तो कौन सही रहेगा, जूसेफ गैरिबाल्डी, क्योंकि वे उसी के चेले थे, बिस्मार्क जो जर्मनी के हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 27, 28, 29, 30। तो केंद्र शासित पूछे तो 8 है और संघीय कितने हैं, 28। 29 थे तो जम्मू कश्मीर एक कम हो गया, तो 28 हो गए संघीय राज्य, तो संघीय राज्य कितने हैं, 28। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव की है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ये क्यों है, मायावती जी का है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो राहुल गांधी जी का है, और भारतीय जनता पार्टी ये तो जानते हैं कि विष्णु के दशे अवतार मोदी जी की पार्टी है। तो इनमें से समाजवादी पार्टी नहीं, अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है।
तो देखिए ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, फिर जियोग्राफी से पूछा गया है क्वेश्चन, जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं। आप लोगों ने तैयार कर लिया तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपका इसमें, और आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें का जो लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी जो भी होंगे वो भी करवा देंगे। देखिए फिर आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी रिपीटेड है। तो ये सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कौन हो जाएगा, गुजरात। कौन हो जाएगा, गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र से सटा हुआ उसका पड़ोसी कौन है, गुजरात है, क्योंकि ज्वालामुखी से उत्पन्न बना हुआ है वहाँ का मैदान, तो गुजरात से हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में। याद रहे कि अगर आप ठीक से पढ़ाई किए रहेंगे तो आप अगर राइट आंसर नहीं दिया होगा, थोड़ा घुमा फिरा पूछ लेगा तो भी आप राइट आंसर दे देंगे। तो महाराष्ट्र नहीं तो उसी का पड़ोसी गुजरात है, तो गुजरात होगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है, रेशेदार यानी फाइबर, जूट, काफ़ी, जौ, रबर। जो जूट की होती है जिसे हम लोग अपने गाँव में कहते हैं सनई की खेती, सनई, या जिसे पटसन भी कहते हैं, पटसन भी कहते हैं, पटसन, सनई वाले को पटसन भी कहते हैं। जानते हैं कि सनई हम लोग काट उड़ के क्या करते हैं, इसका ऐसे राइट आंसर है जूट, काट करके पानी में ले जाकर पहले उनको उगाड़ देते हैं, तो उनमें से जो उनमें जो उनके रेशे होते हैं, जो उनके तने स्टेम में जो लगे होते हैं रेशे होते हैं, जिसे सन कहते थे हम लोग, सन, सन को अलग करते थे ना, तो ये फाइबरस खेती है। इनमें क्या करते हैं, इनसे हम लोग सन बनाकर इन्हीं से रस्सियाँ बनाते थे, रस्सियाँ से चरपाई ये सब जो होता था वो बनाए जाते थे, मोटे मोटे रस्सियाँ बनाई जाती थी, तो बहुत से काम किए जाते थे। तो अगर पूछा जाए कि फाइबरस कौन सा फसल है, तो फाइबरस यानी रेशेदार कौन सी फसल है, तो वो है जूट। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। जानते हो कि जहाँ पर इंजीनियरों का गढ़ है, कहा तो ये तक जाता है कि अगर वहाँ पे अगर आपने एक ढेला उठा लेंगे ना, पत्थर या ढेला कुछ भी उठा के अगर आप मारेंगे किसी के घर पे, तो उस घर में एक इंजीनियर ही मिलेगा। तो भारत का इस ऐसा शहर कहा जाता है जिसे उसका नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है, बेंगलुरु। तो याद रहे आपको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है भारत का, बेंगलुरु को कहा जाता है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है, देश के पूर्वी तट पर। पूर्वी तट क्या होता है भाई, अगर इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया का मैप, तो इधर वाला जो एरिया होता है ये तो पश्चिमी घाट कहलाता है, क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। इधर वाला एरिया जो होता है ये क्या कहलाता है, पूर्वी तट। क्या कहलाता है, पूर्वी तट। तो इनमें से ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, पूर्वी तट पर कौन कौन उपस्थित है, ऑप्शन दिया हुआ है, कांडला, कांडला जानते हैं कहाँ है, कांडला गुजरात में है, यहाँ पर गुजरात है ना इसे, तो कांडला गुजरात में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता पूर्वी तट पे। फिर कोच्ची, कोच्ची जो है ये कहाँ पर है, कोच्ची जो है ये केरल, केरल में इस तट पे मिलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मुंबई, मुंबई जानते हैं महाराष्ट्र, यहाँ पर, तो बचा ये कौन, विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में, तो यानी विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है, विशाखापट्टनम राइट आंसर है, विशाखापट्टनम। ये कोच्चि जानते ना कि इसी तट पर आया था, कौन, वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा आया था। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया था, अब चूंकि इस बार ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये कार्ड दिया गया है इस बार के पेपर में, लेकिन मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है भारत में, मुद्रा का निर्गमन तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मुद्रा से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, पता रहे आरबीआई ऑप्शन में रहे तो लगा दीजिएगा कि आरबीआई। फिर उसके बाद है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, विदेशी व्यापार जो होता है वो किनके मध्य होता है, दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य। फिर दूसरा ऑप्शन भी दिया है, दो देशों प्रदेशों के मध्य, और दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य, तो नाम ही है विदेशी व्यापार। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, दो देशों के मध्य। जिसको ये वाला क्वेश्चन है तो समझिए वो बहुत बड़ा गरीब आदमी है, गरीब नहीं भीखमंगा आदमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी फिर एक क्वेश्चन पूछा था, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 1848 के बाद है, तो यहाँ पर शुरू हुई 1848 के बाद, 1848 के बाद वहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र किसे कहते हैं भाई, ऐसा देश जहाँ का मुखिया जो होता है अब वो पद वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा, उस पद को क्या कहा जाता है,
गणतंत्र कहता है, ब्रिटेन और फ्रांस में 1848 में वहाँ का जो मुखिया था अब वो जनता के द्वारा चुना जाने लगा, तो 1848 में फ्रांस जो था वो क्या बना था, एक गणतंत्र बना था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर महामंदी प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, प्रारंभ महामंदी तो इसकी स्थापना ये शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1929 में। महामंदी क्या होती है भाई, महामंदी का मतलब होता है कि आपके जेब में पैसे ना हो, आपको रोजगार ना मिले, बाजार में सामान जो है वो महंगा भी नहीं है, सस्ता है तो भी नहीं बिक रहा है, तो यानी उससे किसान भी परेशान है, उनका माल नहीं बिक रहा है, खाने वाले बेचारे टूटे जा रहे हैं, शरीर उनके कुपोषण पकड़ता जा रहा है, उनको मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी मतलब एकदम मार्केट की स्थिति में चौपट चल रही है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, मंदी। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोरोना काल में सब कुछ बंद था, तो सभी की इनकम उनकम सब चीज़ें क्या थी, एकदम चौपट था, तो वो एक प्रकार की मंदी थी, महामंदी। इसी प्रकार से जब वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, तो पूरे विश्व में यानी पूरे यूरोप में एक प्रकार से महामारी उत्पन्न हुई थी, तो वहाँ पर महामंदी स्टार्ट हो गई थी 1929 के समय में। फिर उसके बाद वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या अविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे। अब यो जिसको ना पता हो वो समझ लीजिए कि वो भी क्या है, एकदम गरीब आदमी है, तो इसका सही ऑप्शन कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर उसके बाद है पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, जो ई रामास्वामी नायकर जो पेरियार थे, दक्षिण भारत में केरल वरल में आप जाएंगे, तमिलनाडु में खासतौर से तमिलनाडु जो डीएमके पार्टी है, जो अभी वहाँ के जो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, इसी के संस्थापक थे, इसी पार्टी के संस्थापक थे ई रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इसे ये क्या थे, एक प्रकार से ये वैज्ञानिक शिक्षाविद समाज सुधारक या लेखक, तो ये एक प्रकार से समाज सुधारक थे। एक्चुअली इनका बड़ा इज्जत इसलिए होता है क्योंकि ये एक प्रकार से नास्तिक आदमी थे, नास्तिक मतलब पहले ये कांग्रेस में थे, तो ये भी बड़े धार्मिक कर्मी थे। एक बार ये बनारस आए थे तो लोगों के साथ ये खाना खा रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने इनके साथ खाना नहीं खाया, कुछ लोग जो ब्राह्मणवादी लोग थे तो इनके साथ खाना नहीं खाया, को तो पूछा कि भाई रामास्वामी नायकर ने पूछा कि काहे नहीं खाना खाया हमारे साथ, तो कहा कि तुम निम्न जाति को, तुम अछूत हो, तुम्हारे साथ खा लेंगे तो हम भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो रामास्वामी नायकर ने कहा यार बड़ी अजीब है, राष्ट्रवादी लोगों की जातिवाद की बातें करते हैं। तो ये कांग्रेस छोड़कर चले गए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में गए तो उन्होंने वहाँ पर एक राम सीता की मूर्ति थी, भगवान लोग मानते थे, उस मूर्ति को इसने क्या कह दिया, ऊपर से कपड़े उतार दिए, उस पर से कपड़े उतार के कह दिए कि अगर आपके ये भगवान हैं तो खुद से कपड़े पहन ले। बड़ा तर्कशील व्यक्ति थे ये रामास्वामी नायकर पेरियार, बड़ी इज्जत है इनके तमिलनाडु सब में। तो इन्हीं की पार्टी है डीएमके, तो अभी हाल ही सुना होगा कि कोई भी जाति का व्यक्ति होगा उसे मंदिर में सभी को अब पुजारी बनेंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी नहीं बनेंगे, और सड़क पर जो भी मंदिर होंगे तोड़वा देंगे। तो ये उनकी विचारधारा किसके है, पेरियार साहब की। बड़ा बढ़िया नेता है इस वक्त भारत के, मेरे हिसाब से इस वक्त बड़े अच्छे नेता में चल रहे हैं, बहुमत से भी उनका सरकार बना है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो थोड़ी उनकी बातें कर लीजिए स्टालिन के बारे में। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या सभी धर्मों को समान समझना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट होगा कि धर्म जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी, देखिए ऐसे तो अगर पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो 1992 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया था, 1992 में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मोहर लगाया था। अगर 93 ना दिया हो तो कौन सा ये रहेगा, 1992, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, 1992 में। फिर देखिए जियोग्राफी में है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है, अजैवीय संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जो हमें जीव जंतुओं से न प्राप्त हो उसे कहते हैं अजैवीय संसाधन, जैसे कि चट्टान हो गया, पशु हो गया, पौधे हो गया, मछलियां हो गया, तो कौन है, चट्टान, चट्टान भाई हमें जीव जंतुओं से थोड़ी प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आ गया निम्नलिखित में से कौन और जैविक संसाधन पूछ लेता हूं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त हो जाए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ का मतलब ऐसे फसल जो कब काटे जाते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ठंडी शुरू होने वाला होता है तब काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल, जैसे कि चना है, धान है, कपास है, ख तथा ग दोनों है, कौन इसमें सही है, तो चना तो जानते हैं रबी की फसल है, और कपास हमने कहा इसकी कुल में गिनती होती है, और धान
धान क्या है, ये तो उसी वक्त का मेन फसल है, तो इसका ख और ग यानी ऑप्शन नंबर घ सही है, दोनों सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। फिर उसके बाद है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं अधिकतम, तो उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक। देखिए हमारे देश में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होते हैं, जो प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक क्रियाओं से संबंधित उत्पादन, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब जो प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन किया गया उसमें परिवर्तन करके कोई एक नया वस्तु बना लेना, वो क्या कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी जिसे कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल जो बना है ये क्या है द्वितीयक क्षेत्र है, ये डिब्बा है, ये बोर्ड है, ये सब जो कि जो कैसे है द्वितीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न भले हुआ है लेकिन इसमें निर्माण किया गया द्वितीयक क्षेत्र है। और तीसरा होता है तृतीयक सेवा क्षेत्र, चूंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है, बस ज्ञान और कौशल बेचा जाता है। जैसे कि मैं अभी वही कह रहा हूँ, डॉक्टर जो होते हैं, होटल वाले जो होते हैं, मोबाइल वाले जो होते हैं, जो आपको नेटवर्क प्रदान करते हैं, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि प्राकृतिक अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है उसे क्या कहता है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसका, अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबे का, सोने का। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोडरमा तो अभ्रक, इसका राइट आंसर क्या होगा अभ्रक। जो कोडरमा है आंध्र प्रदेश में और झारखंड का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से पंजाब में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, पंजाब में जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसका जो प्रमुख कारण क्या है। भूमि का निम्नीकरण समझते हैं, निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि जो उच्च क्वालिटी की हुआ करती थी अब वो उच्च क्वालिटी से घट के निम्न क्वालिटी की होती, यानी उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अत्यधिक सिंचाई, वहाँ पर क्या है अत्यधिक सिंचाई की जा रही है जिससे भूमि की उर्वरता क्या होती चली जा रही है, ऊपर की बह जाती है तो कम होती चली जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 था जो, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, निम्न में से हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय, तो इन चारों में सबसे अधिक किसकी है, तो वो है हरियाणा, यानी कि ये जो चारों राज्य दिए नहीं है इन चारों में जाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य के लोग कमाते हैं, तो हरियाणा के लोग कमाते हैं। चलिए फिर इसके बाद देखिए कुछ बचे हैं क्वेश्चन तो उसको हम वो करवा देंगे, लेकिन आप लोग इसमें अपना सहयोग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। तो हम अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अपने डाउट लिखेंगे तो इसमें का इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अन्यथा आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर बनाना कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। चलिए लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।